आप बेड नंबर 7 देख लेंगे मेरे लिए एज अ फेवर प्लीज? श्योर, थैंक यू। हसन से तो तुम वाकिफ ही हो ना, कितना बदतमीज है। पार्टी में उसका रिएक्शन नहीं देखा था आपने? 2-4 से थप्पड़ खाएगा तो खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। आप बेड नंबर 7 की फाइल दीजिए मुझे। बजान आपकी तरफ से आता वो सड़क हमारा जमीनों के बीचों बीच गुजरता है और मैं अपने गांव को दो हिस्से में तकसीम नहीं कर सकता। अच्छा चलो सोचते हैं, इस पर बात करते हैं। क्या हुआ माँ बाप? अरे राजा चलो। आटो बम्बई आटो। वो तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक तो यहाँ बैठ के मेरे बाप को हमारे खिलाफ उकसाता है, मेरे भाई के कामों में रुकावट डालता है, और अब यहाँ बैठ के खावा पी रहा है। हाँ छोड़ो इसको हरामखोर। तमीज से दरगज़ी, अगर तुम्हारा बाप का जमीन है तो हम भी खाली हाथ नहीं बैठे। टक्कर का जमीन है हमारे पास, तो अपनी जमीन पर जाकर ठकरे मारो, और अगर दोबारा यहां दिखाई दिए तो तुम सब के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खान, हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं, बड़े खान से मशवरा कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसे सड़कें नहीं बनती। आटा पीछे बाको नहीं, हमें सब मालूम है कि सड़क कैसे बनती है और कैसे नहीं बनती। हमको मत समझाओ, जाओ यहाँ से। खान तुम एक बात बताओ। तुमको बोला बीच में बकवास मत करो। हम सब जानते हैं, हमें आता है अपना सब कुछ संभालना। अब जाओ दफा हो। ये संभालेगा चीजें? अपना मंगेतर तो इससे संभाला नहीं गया, चला गया शहर इसके मुंह पर थूक कर। बड़ा आया चीजें संभालेगा। राम खोर हमारी औरत का नाम लेता है। क्या कह रहा है तू बड़ा? ये कैसा खून लगा है तुमने? ओए पीछे हटो, क्या मुसीबत है? तुम उधर हो, बेगैरत नहीं है, चलो। मैं भी बेगैरत नहीं हूँ, इसीलिए तो तुम्हारा गैरत बनना चाहती हूँ। बेगैरतों को तुम्हें करीब भी ना पटकने दूँ। ओए पीछे हटो, चलो यहाँ से दफा हो। बाबी मैं अब चलती हूँ, वो बाकी का कपड़ा मैं कल इस्त्री कर देगा। काका आता होगा ना घर। अल्लाह हाफिज। और तुम ख्याल रखा करो अपना। वो चलो यहाँ से। ये कौन, किससे लड़कर आ रहे हो? वो बदमाश बैराम मिल गया था मुझे, उसके किसी दिन दिमाग में गोली मारूंगा, याद रखना तुम। बैराम क्या कह रहा था तुझे? कहता है कि हमारे खानदान ने उसके घर वाले की लड़की दबा के रखी है, उसको बताओ कि मामा जी ने लड़की पेश की थी। वो तो पहले दिन से ही बदमाश है। अच्छा तुम कान को मत बताना। नहीं बोलता दाजी को। ये सुनो, पर क्या कह रही थी?
क्या बोलेगी ये जाहिल लड़की, कोई तनख्वाह मनख्वाह की बात कर रही थी कि काका को दे और पता नहीं क्या करो, फजूल में बकवास। आइंदा वो कुत्ता तुमको कहीं मिले ना तो अपना रास्ता बदल लेना। उसके गले में पट्टा डाल के उसको घसीटूंगा मैं, आइंदा मिले मुझे अगर गंदा आदमी। तुम एक बार उस बच्ची से मिलो तो हैरान रह जाओगी, इतनी जहीन और काबिल बच्ची है वो, लाजवाब कर देती है, आंखों में उसकी इरादे चमकते हैं। वो चाहे कितनी भी काबिल हो, उसे कोई हक नहीं पहुंचता था कि भरे कॉलेज में हसन के मुंह पे थप्पड़ मारे। देखो तुम इस वक्त हसन की माँ बन के सोच रही, जबकि हादी ने हमें जूं का दूं सब कुछ बता दिया था क्या हुआ है, और सेम उस लड़की ने बताया, बताओ भला कौन सी लड़की बर्दाश्त करेगी। इट्स नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। मैं हसन की माँ बन के नहीं सोच रही, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ। आप मुझे बताइए कौन सा मर्द है जो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगा, प्लीज टेल मी। यहाँ इस बात का यही जवाब था, अगर ये मामला हमारे इलाके में हुआ होता तो थप्पड़ की जगह गोलियां चलती। संभाल के रखो इस पागल को। तानिया ने जाके अपनी मदर को बताया था, उन्होंने सबके सामने मुझसे पूछा, इट वाज सो एम्बैरेसिंग। अच्छा किया उस बच्ची ने तुम्हें थप्पड़ लगाया, इस बात का यही जवाब होना चाहिए। और अब जाओ अपने कमरे में राइट नाउ। मैं भी आपको यही बताना चाह रही हूं कि आप नहीं समझते आजकल के बच्चों की मेंटालिटी, स्पेशली बॉयज दिस एज। अगर इस बात पर से कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो। तुम क्या कह रही हो, तुमने तो मुझे भी परेशान कर दिया, कैसी बात कर रही हो। शहरयार, मुझे तो लगता है शायद हम ही से गलती हो गई कि हमने अपने बच्चे उसी इंस्टीट्यूशन में डाल दिए जिसमें हम काम करते थे। मेरा तो ना बिल्कुल दिमाग उलझ के रह गया है। क्या हो गया? कुछ नहीं मामा, खामखा ही परेशान हो रही हैं यार। आपको पता है कॉलेज में सब कुछ चलता रहता है, यू नो हाउ इट वर्क्स। सब परेशान है। मुझे ये बताओ तुम लोग बड़े हो गए हो ना मुझे परेशान करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए। यही इनकी सगी औलाद है, मैं तो कुछ लगता ही नहीं उनका, जब मरूंगा ना तभी इन्हें मेरा एहसास हो। अच्छा यू नो व्हाट, मैं सोच रहा था कि हसन को काउंसलिंग की जरूरत है। मे बी अगर हम आयमा से कहते हैं कि हसन से बात करें और He opens up, कि उसके दिल में क्या है, वो किस तरह सोचता है, it might help him. सोबिया के सामने भी इतनी embarrassment हो रही है। तीन दफा पूछ चुकी है मुझसे कि हसन को क्या हुआ है, हसन को क्या हुआ, what am I supposed to say to her? तो क्या हो गया मामा, पप्पो हैं, समझदार हैं। और हसन की इतनी कोई बड़ी गलती नहीं थी, बस उसको ये एहसास होना चाहिए कि लड़कियां भी हमारे साथ पढ़ती और इनकी इज्जत करना हमारा फर्ज। छोड़ा हाथ मेरा, रख के दू भाई। हसन, हसन Hassan, I don't care Shahryar, but you need to fix this. मेरे बच्चे की ईगो हर्ट हुई है, अगर उसने कोई उल्टी सीधी हरकत कर ली तो I can't deal with this. You have to fix it. That's it. साहब जी, हसन बाबा मेरी गन लेके चले गए। कहाँ लेके गए? नीचे। What? अरे किधर है?
हसन क्या कर रही हो यहाँ पे? हसन तुम्हारे हाथ में गन क्यों है? कुछ भी है, निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। हसन मुझे दो। हाँ मैं कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से, बहस नहीं करो मेरे साथ। क्या कर रहे हो हसन, मुझे दो। मैं कह रहा हूँ मेरे करीब भी आना, निकले यहाँ से। तुम पागल हो गए हो? जाओ ना आयमा यार, मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, चली जाओ। आंटी किसी को नहीं बुलाऊं, मैं चलूंगा तुम्हें, बता रहा हूँ, जान से भर दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, समझ में नहीं आ रही तुम्हें? हाँ हसन तुम्हें क्या हो गया है, क्यों कर रहे हो ये? मैं चला दूंगा गोली, मैं क्या बोल रहा हूँ, पागल हो गया आदमी लगा दी यार, प्लीज अभी की लगा। अच्छा बस करो ना खजिस्ता, मुझे तुम रोते हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मैं आज तक कभी किसी लड़के से नहीं टकराई, खुद को बहुत समेट कर रखा है मैंने। जिस तरीके से मैं डॉक्टर आदि के बाजों में गिरी थी, मुझे खुद बहुत शर्मिंदा की हुई, बहुत बुरा लगा। और हसन उसकी बातों ने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई है, इतनी तकलीफ कि मैं बता नहीं सकती। उसको तो तुम दफा करो खजिस्ता, वो तो वैसे ही बदतमीज इंसान है, उसकी बातों को क्यों तुम सीरियसली ले रही हो? कैसे बोलूं, तुम जानते हो भैया, अगर ये बात मेरे घर तक पता चल गई ना, तो वो मुझे यहाँ एक मिनट नहीं रुकने देंगे, फौरन ले जाएंगे यहाँ से। MBBS मेरा काब है, तुम जानते हो, मैं जब जब ये सोचती हूँ, मेरे आंखों के आगे मेरे बाबा की मैयत आ जाती है, जिसमें से खून बह रहा होता है। ऐसा नहीं है भैया कि वहां पे डॉक्टर नहीं है या अस्पताल नहीं है, बस उस दिन डॉक्टर छुट्टी पर था और गोलियां मेरे बाबा के हड्डी पर लगी, मेरी माँ। अच्छा ना, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और देखो तुम तो कितनी हिम्मत वाली हो, तुमने जाके सारी बातें डॉक्टर शहरयार को सच सच बता दी। तुम्हें पता है तुम्हारी जगह मैं होती ना, मैं कभी भी नहीं कर पाती। तुम तो कितनी बहादुर हो, है ना? हाँ तो हम यहाँ पढ़ने आते हैं, कोई आरा सोने नहीं आते, मगर मुझे यह डर लग रहा है कि अब हसन क्या करेगा, और डॉक्टर शहरयार कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे खामोशी से फेल कर दे। वो ऐसा क्यों करेंगे, तुमने जो मुझे उनका रवैया बताया है उससे मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। ये तो है, जिस तरीके से बात कर रहे थे तो लग रहा था कि अपने बेटे की खूब तवाज़ो करेंगे। तो ऐसे ही किया होगा, तुम क्यों परेशान होगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, है ना? पर मेरा MBBS तो अल्लाह के हवाले है, सब अच्छे से हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। क्या सोचा था तुमने कि अपने बूढ़े माँ बाप को ब्लैकमेल कर लोगे अपने इस घटिया फेल से? अब मैं हूं तुम्हारे सामने, करो जो करना है, देखू कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। नहीं बाबा। तुम चुप करो, क्या सोच रहे थे तुम,
कि खबरों में आएगा कि डॉक्टर सबीका और सर्जन शहरयार के बच्चे ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसने अपनी क्लास वालों को हरासा किया, इसलिए कुछ अंदाजा है उसके बाद क्या होता, इसलिए जवान किया तुम लोगों को कि लोग थूके हम पे। क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका। अरे बेटा तुम तबीयत खराब की बात कर रही हो, मेरा दिल चाह रहा है खुद को खत्म कर लो। इतनी कम सर्फ औलाद, जाओ जाके अपनी माँ को देखो, नींद की गोली खा के भी उसे आराम नहीं आ रहा। अगर उससे कुछ हुआ ना तुम दोनों की वजह से, तो मर के भी कभी माफ नहीं करूंगा, याद रखना मेरी बात को। मतलब चोरी और ऊपर से सीना जोरी, एक काम हो गया उसको दफा करते, खुद को ठीक करने की कोशिश करो, मगर नहीं, बाजू हो तुम दोनों मेरे, इन गोदों में पाला है तुमको, इस उम्र में जनाजा नहीं उठा सकता तुम्हारा मैं। सारी जवानी अपनी किताबों में और अस्पतालों में निकाल दी हमने, मरीजों को देखा आराम नहीं देखा हमने, इस उम्र में कम से कम ऐसा दुख मत दो जिसे हम बर्दाश्त ना कर सके, फॉर गॉड सेक। I'm sorry, Dad. I don't know what happened. I don't want to kill myself. I couldn't take it anymore. I love you guys.